हेलो दोस्तों, मैं अभिनव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल नॉलेज एकेडमी विद अभिनव के साथ। और आज हम लोग बात कर रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर केबीएस का, वो है सीबीई, है ना, कॉम्पिटेंट बेस्ड एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस इन लर्निंग, यानी योग्यता आधारित शिक्षा अनुभव जन्य शिक्षा के बारे में। ओके, ये यूनिट बी चल रहा है, यूनिट बी का चैप्टर 6 चल रहा है और हम लोग कंटिन्यू आपके लिए वीडियो ले आ रहे हैं डेली, क्योंकि आपका जो पेपर है वो पास आ गया है, एकदम नियरिस्ट है और आई थिंक हम पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे इसे, ठीक है। तो जुड़े रहिए साथ में, जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी लाइक शेयर जरूर करते रहें। ओके, तो आज हम लोग बिना समय गवाए जल्दी पढ़ते हैं सीबी पैटर्न क्या है। ओके, क्या है ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन वाले जो पैटर्न है, गतिविधियां है, वो है क्या? तो ये बात करता है योग्यताओं पे, यानी ये बात करता है आपको इस तरीके की योग्यता देने पे जो आपके व्यवहार जन में शामिल हो, जो आप लाइफ में या जब आप कॉम्पिटिशन बेस में करें या कॉम्पिटेंसीज के लिए काम करें या कहीं नौकरी के लिए काम करें या व्यवहारिक जीवन में इसे लागू करें, तो वहां पे ये आपके साथ खड़ा रहे, वो आपकी मदद करे। यानी आपको शुरू से ही इतना प्रगाढ़, इतना तैयार कर दिया जाए कि जब आप कंपटीशन देने जाएं, जब आप उसे व्यवहारिक रूप में शामिल करें, जब आप उसे समाज में लेके जाएं, तो आपको ऐसा ना लगे कि आपने सीखा नहीं है या ऐसा ना लगे कि आपको हम ये कर नहीं सकते, आपको बिल्कुल तैयार करके आपको स्कूल आपके समाज में भेजेगा। इसी पैटर्न को क्या कहते हैं, सीबीई पैटर्न। ओके, याद रहेगा इसी पैटर्न को क्या कहते हैं, सीबी पैटर्न। क्या करता है तो ये काम करता है बच्चों के अनुभव पे या बच्चों के प्रैक्टिस पे, ठीक है। तो ये एक ऐसा काम है जो स्पेशली बच्चों के किस पे काम करता है, रोजगार पे। यानी ऐसी शिक्षा जो आपके रोजगार परक, यानी आप यहां से पढ़ने के बाद आईआईटी, नीट, बैंक, रेलवे, आईएएस, पीसीएस जैसे क्राइटेरिया वो क्रैक कर सके। ये ऐसा ज्ञान हर्जी में चीजें नहीं पढ़ाई जाती, कोई भी चीजें बिल्कुल सिस्टमेटिक, बिल्कुल जो चीजें जरूरत की चीजें होती है वही चीजें पढ़ाई जा सकती है। तो रोजगार परक जो शिक्षा है वो सीबी पैटर्न के अंतर्गत देना होता है। नेक्स्ट ये है कि जो दैनिक जीवन के प्रासंगिक, दैनिक जीवन के लिए प्रासंगिक हो, ऐसा ही कुछ भी दे रहे हो इनके लिए क्या हो, प्रासंगिक। जब लोग तैयारी करवाने जाते हैं तो बच्चों से कहते हैं कि जाओ बेटा एनसीईआरटी पढ़ के आना। ओके, ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में जो चीजें होती है बिल्कुल रिसर्च करके बनाई जाती है, जो कि आगे आने वाले समय में जो भी कंपटीशन है उसके लिए भी काम करता है। सीबी पैटर्न पे आधारित होता है, सीबीएसई बोर्ड में जो चल रहे बुक्स होते हैं वो सीबीएसई एनसीईआरटी पैटर्न पे चलाते हैं। इसी वजह से हम लोग अक्सर एज ए टीचर रिकमेंड करते हैं कि नहीं, आप सीबीएसई बोर्ड को ही प्रेफर करो, सीबीएसई बोर्ड में ही पढ़ो, क्योंकि रिसर्च के बाद चीजों को बनाया जाता है। ओके, याद रहेगा सीबी पैटर्न पे, ठीक है। आईसीएसई बोर्ड भी है और यूपी बोर्ड भी, ऐसा नहीं कि हम पढ़ा नहीं सकते, हम लोग पढ़ा नहीं सकते, लेकिन ये क्या है कि सीबीएसई बोर्ड का जो आगे का क्राइटेरिया है वो बहुत ही प्रिफेयर होता है, वो बहुत रिसर्च के बाद बनता है कि इसको सीबी पैटर्न पे लागू किया जाए। ओके, तो ये चीजें यही है कि जब हम दैनिक जीवन में जाएं तो इसका यूज हो, ऐसा नहीं कि हम बहुत ब्रॉड लेवल पे सिखा दें जिसका हम दैनिक जीवन में यूज ही ना हो, ठीक है। तो इस वजह से भी ये चीज है, तो रोजगार पर दैनिक जीवन के लिए प्रासंगिक होना चाहिए, ठीक है। वास्तविक दुनिया से संदर्भ रखता हो, वास्तविक दुनिया से, मतलब ऐसी चीज सिखाओ जो वास्तविक दुनिया के लिए हो, वास्तविक दुनिया में लगे कि हाँ भैया ये सब चीजें होनी चाहिए। ओके, केंद्र में अगर बात करें, इस सीबी पैटर्न के केंद्र में अगर कोई है, ये क्वेश्चन भी पूछा है कि सीबी पैटर्न के सब सेंटर पे कौन होता है, तो केंद्र में होता है हमारा छात्र। यानी जो भी चीजें पैटर्न बने वो छात्र के अकॉर्डिंग ही बने, छात्र क्या करना चाहता है उसके अनुसार ही बने। और छात्र की क्या चेक करना है, छात्र की पैटर्न में छात्र की योग्यता के आधार पर बनना है, छात्र के रुचि के आधार पर बनना है, ओके, छात्र की क्षमता के आधार पर बनना है, ओके, छात्र के क्लास के आधार पर बनना है,
किस क्लास में, किस वर्ग में, ठीक है, छात्र के एज के हिसाब से बन रहा है, ठीक। तो ये सब चीजें जो है वो छात्र के अकॉर्डिंग, छात्र को ध्यान में रखते हुए ही काम करना है, ओके। तभी सब कुछ ये सीबी पैटर्न सही से लागू हो पाएगा और सही से चीजों को सिखा पाएगा, ओके। अब इसमें हमें करना क्या है, इसमें हमें करना है बच्चे को इतना दक्ष कर देना है, इतनी दक्षता प्रदान कर देनी है कि बच्चा जब लाइफ में जाए, जब कंपटीशन निकाले, कोई भी कंपटीशन निकाले, चाहे वो आईआईटी हो या नीट हो या कोई भी और, ठीक है, कोई भी और एग्जाम हो, तो वो आसानी से इसको क्रैक करे, आसानी से चीजों को निकाले। यही पैटर्न लागू करने की कोशिश करता है हमारा कौन, सीबी, ओके। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया कि क्या हो रहा है, सीबी क्या कर रहा है, यही कर रहा है कि आपको ऐसा बना दे कि आप जब भी लाइफ में आगे बढ़ो तो लाइफ में पीछे मुड़ के देखने की जरूरत न हो, आप हमेशा चीजों को आगे बढ़ते चलो, ओके। तो ये पैटर्न है। अब कुछ ऐसी चीजें हैं जो की अप्रोच कहलाता है, जो जरूरत है की चीजें हैं जिसे जानना जरूरी है। तो ये तो बेसिक चीजें थी, सीबी होता क्या है, तो कुछ की फीचर्स हैं, की फीचर्स हैं कि क्या क्या है सीबी के अंदर, क्या क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले कि ये सभी छात्रों के लिए लागू हो, सभी छात्रों के लिए लागू हो भाई। अभी कुछ जगहों पे लागू नहीं है, जैसे सीबीएसई बोर्ड को छोड़ दिया जाए तो अभी आईसीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड दोनों में भी, और बाकी अगर स्टेट बोर्ड की बात करें तो वहां पे भी ये सही जगह से लागू नहीं है सीबी पैटर्न, जबकि लागू होना चाहिए जो आप पढ़ाओ उस कंपटीशन बेस के अकॉर्डिंग पढ़ाओ। यानी ऐसा करो कि लाइफ में जब उसे किसी का कंपटीशन देना पड़े तो वहां पे वो आगे निकाल पाए, आगे उसमें भाग ले पाए, या अगर दैनिक जीवन में किसी चीज को यूज करना है तो उसको यूज कर पाए, ऐसे ही चीजों को पढ़ाया जाए, ओके। तो ये सब चीजें करानी है, उसकी योग्यता को बढ़ाना है, स्पेशली ध्यान देना है, तो सभी छात्रों के लिए लागू होना चाहिए। दूसरी चीज, सभी छात्रों के लिए लागू, लागू के अलावा सभी छात्रों के लिए समान भी, ठीक है, लागू के साथ साथ समानता हो सब में, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि कक्षा में समय के बजाय, समय को इंपोर्टेंट नहीं देना, समय के बजाय उसकी दक्षता पे काम करें, दक्षता पर काम करें, ठीक है। दक्षता मतलब उसको महारत हासिल करना सब्जेक्ट में, ठीक है, समय निकालना। जैसे हम लोग टेस्ट देते हैं कभी कभी, तो एक घंटे का समय देते हैं, बच्चा पूरा नहीं कर पाता, हम कहते हैं अच्छा काम करो, कितना बचा है, 500 बचा है, करो। क्यों? क्योंकि समय इंपॉर्टेंट नहीं है, समय तो अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस पैटर्न में सबसे ज्यादा जरूरी है उसको पता होना, ठीक है। तो उसको पता होना जरूरी है, वो काम कराओ। समय का प्रबंधन तो हम धीरे 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 एक्सपेरिमेंटल मेथड में ले आके हम लोग सही कर लेंगे, ठीक है। बार बार प्रयोग करेंगे, समय ऑटोमेटिक रिड्यूस हो जाएगा। तो पहले तो उसे दक्ष बनाओ, उसे उसको ये ज्ञान दे दो, जब वो लाइफ में जाए तो उसका यूज कर पाए। तो हमें क्या करना है, समय के बजाय दक्षता पे काम कराना है उसके, वो कितना ज्यादा सीख लिया है, ओके। साथ ही साथ फॉर्मेटिव असेसमेंट का यूज करना है, ये हम बताएंगे क्या होता है, इसका अलग एक वीडियो है, ठीक है। मूल्यांकन जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, यानी सबको साथ में लेकर चल के उसके मूल्यांकन को फॉर्मेटिव असेसमेंट करना है, सेल्फ एजेप्शन करना है, सेल्फ एजेप्शन करना है, यानी खुद भी वो क्या करे, एडजस्ट कर ले, खुद सीख ले, खुद चीजों को जान ले, अपने अनुभव के आधार पे क्या करे, काम करे, ओके, ठीक है। खुद करके सीखे, स्वयं करके सीखे, जितना वो स्वयं करेगा उतना वो सीखेगा। तो ये कुछ की फीचर्स हैं जो सीबी चाहता है कि हमारे साथ लागू हो, यानी सभी बच्चों पे लागू हो जाना चाहिए। समय के बजाय दक्षता पे काम करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको दक्ष करो, ठीक है। फॉर्मेटिव असेसमेंट करना शुरू कर दे, खुद का मूल्यांकन करें, सेल्फ असेसमेंट कर ले, और स्वयं करके सोचने के पे लागू करें, स्वयं अपना काम स्वयं तरीके से कर ले, रोजगार परक हो, दैनिक जीवन से संबंधित हो। ये कुछ की फीचर्स है इसके जो जरूरी है इन सबको जानने के लिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट,
इसका फ्रेमवर्क क्या है, क्या फ्रेमवर्क है, कैसे सीवी काम करता है, किस तरीके से। हम लोग बात करते हैं सीवी के फ्रेमवर्क की, आखिर फ्रेम कैसा होता है, कैसे बनता है सीवी, क्या क्या करते हैं इसमें, कौन कौन से फ्रेम आते हैं। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि सीवी फ्रेमवर्क में क्या क्या आता है। तो फ्रेमवर्क ऑफ साइंटिफिक लिटरेसी आता है। साइंटिफिक लिटरेसी का मतलब होता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ठीक है, यानी कोई भी लिटरेसी, यानी कोई भी चीजें शिक्षा देनी है तो एक वैज्ञानिक तरीके से, वैज्ञानिक अप्रोच अपनाते हुए अपनाया जाए, तो कोई भी पैटर्न जो होता है वो सफलता के लगभग कगार पर पहुंच जाता है। तो इसीलिए हमें पढ़ाने से पहले ये भी समझना है कि इस चीज को एक साइंटिफिक तरीके से पढ़ाया जाए, इसको एक साइंटिफिक तरीके से ग्रहण करवाया जाए, तो शायद ये बहुत ही बेहतरीन होगा। तो सबसे पहला जो फ्रेमवर्क है वो यही है कि इसको साइंटिफिक लिटरेसी में ढाला जाए। दूसरा मैथमेटिकली लिटरेसी हो। मैथमेटिकली लिटरेसी का मतलब होता है कि इसको तार्किकता पे आधारित कर दिया जाए, गणितीय आधारित कर दिया जाए, समझ पे विकसित किया जाए, सोचने पे, चिंतन पे जोर दिया जाए, ये सब कुछ सिखाता है हमारी मैथमेटिकली लिटरेसी, ठीक है। मैथमेटिकली लिटरेसी के लिए ये हमारा एक कॉलेब्रेशन है, सॉरी मैथमेटिकली के लिए नहीं है, रीडिंग लिटरेसी के लिए है। तो रीडिंग लिटरेसी क्या है, रीडिंग यानी पढ़ने के आपको जोर देना, और रीडिंग लिटरेसी लर्निंग फ्रेमवर्क के लिए हमारा एक समझौता है अजीत प्रेमजी यूनिवर्सिटी से, जो कि हमें एक क्या करता है, संसाधन देता है कि हम अच्छे से किस तरीके से पढ़ाएं। ये हमारे साथ मेहनत करता है, हमारे साथ रिसर्च करता है, फिर बताता है कि रीडिंग लिटरेसी के लिए क्या जरूरी है, ठीक है, कैसे हम अच्छा करवा सकते हैं, कैसे हम और बेहतर करवा सकते हैं रीडिंग को, और भी बेहतरीन, ताकि वो कभी अब समाज में जाए तो उसके वर्ड्स, उसके सेंटेंसेस काफी प्रभावी तरीके से सामने आए, ठीक है। तो फ्रेमवर्क पे हमें साइंटिफिक चाहिए, मैथमेटिकली चाहिए, रीडिंग चाहिए, ओके। डॉक्यूमेंट फोकस करता है यहाँ पे कुछ चीजें, पैसा पे, ओके, किस पे, तो प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफ असेसमेंट, पैसा करते हैं, क्या करते हैं, प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट। ये कुछ ऐसे जगह है, ऐसे संस्थान है जो एनसीईआरटी को बनाने में, सीबीएसई को बनाने में काफी मदद करते हैं, रिसर्च करते हैं कि आपके चैप्टर में क्या डाला जाए, क्या हटाया जाए, क्या रखा जाए। काफी बातचीत के बाद, काफी चीजें रिसर्च करने के बाद चीजें आती है, तो सीबी पैटर्न जो चल रहा है उसमें क्या रखा जाए, किस ढंग से रखा जाए, चीजें सामने आए और बेहतरीन हो, आपके कंपटीशन के लिए बेहतरीन हो, आपके लाइफ के लिए बेहतरीन हो। इसके लिए कुछ संस्थाएं भी काम करती हैं, उस संस्थाओं के साथ हमारा कोलैबोरेशन है, सीबीएसई का कोलैबोरेशन है, एनसीईआरटी का कोलैबोरेशन है, कि जिससे आपके जो चैप्टर है उसको और भी बेहतरीन से बेहतर बनाया जाए। तो पैसा इसी तरह का एक फोकस है जिस पे काम करता है, प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट है ये, जो कैरिकुलम और कैरिकुलम के मैपिंग के लिए यानी ड्राफ्टिंग के लिए काफी मदद करता है। जो ये है कि आपका ड्राफ्ट क्या उसका होगा, सीबीएसई बोर्ड की बुक्स क्या या एनसीईआरटी बुक्स का ड्राफ्ट कैसा होगा, उसकी मदद करने के लिए ये पैसा काम करता है, ओके। यानी कैरिकुलम क्या डाला जाए, क्या कौन से पाठ्यक्रम इसमें सम्मिलित किया जाए, उसके साथ साथ हमारा जो कॉर्पोरेशन है अच्छे शिक्षा के लिए, वो है श्री अरविंदो सोसाइटी के साथ, दयानंद सोसाइटी के साथ, ACER यानी ऑस्ट्रेलियन काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च सेंटर के साथ, जो साथ में रिसर्च करता है। एक शिक्षाविद है ये लोग, जो आपस में बैठक करते हैं। अगर आपने एनसीईआरटी की बुक देखा होगा तो पेज पर देखेगा, उसमें बहुत सारे नाम लिखे होते हैं कि ये कहाँ कहाँ से संबंधित है, कोई ACER से संबंधित होगा, DOODO से संबंधित होगा, सोसाइटी से संबंधित होगा, कोई यहाँ से संबंधित होगा, ये सब मिल के एनसीईआरटी बनाते हैं, ई ग्रुप नहीं बनाते। काफी रिसर्च के बाद बुक्स आते हैं, तभी तो टीचर बार बार प्रेरित करता है बेटा सीबीएसई बोर्ड में पढ़ो। आखिर इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे रीजन है यही कि आपका जो सेंटर, आपकी जो बुक्स, ये जो चैप्टर बनाए जाते हैं काफी रिसर्च के बाद बनाए जाते हैं, काफी कुछ इंटरनेशनली देखने के बाद चीजों को लाया जाता है, ओके। ऐसा नहीं कि टीचर को आता नहीं, वो ICSE बोर्ड भी पढ़ा लेगा, लेकिन बस ये बोलता इसलिए कि सीबीएसई के अपने फ्यूचर्स है, ओके। तो समझ गए, कोलैबोरेशन किसके लिए, श्री अरविंदो सोसाइटी के लिए साथ भी होता है, दयानंद सोसाइटी के साथ भी होता है, ACER यानी ऑस्ट्रेलियन काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च सेंटर के साथ भी यहाँ पे मिला हुआ है। साथ ही साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD से समझौता हुआ है, ताकि इकोनॉमिक में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, शेयर और बाकी सब चीजें, बैंक रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, आखिर ये सब जो चीजें आई हैं, बैंक से रिलेटेड चीजें जो आई हैं, प्रॉफिट लॉस जो आया है, ये सब इन्हीं के देन है, इन्हीं की वजह से सब चीजें लाई गई हैं, और चीजों को और भी बेहतरीन तरीके से समझाया जा रहा है। तो ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जरिए OECD के पॉइंट ऑफ व्यू भी सामने लाए जाते हैं।
लर्निंग फ्रेमवर्क के लिए बता दिया जिस ब्रांच यूनिवर्सिटी से काम हुआ है। कुछ शिक्षा को सक्रिय संसाधन नियमावली को बनाया जाएगा, इसके लिए भी है कि आधुनिक में क्या किया जाएगा, तो शिक्षा को सक्रिय संसाधन नियमावली बनाया जाएगा ताकि शिक्षक खुद ही चीजों को चेंज कर सके, खुद ही चीजों को अगर कुछ डालना हो तो डाले, कुछ चीजों को निकाला मिला ले। ठीक है, नेक्स्ट असेसमेंट मूल्यांकन के लिए, यानी कुछ असेसमेंट के लिए यानी मूल्यांकन के लिए वास्तविक कार्य संदर्भों के ज्ञान के साथ ही मूल्यांकन करना है, यानी उसे इतना नहीं करना कि आप लिखित में कितना अच्छा किए हो इस पे नंबर दिया जाए, बल्कि उसका वास्तविक ज्ञान कितना अच्छा है उस पे मूल्यांकन दिया जाए, ये कहता है। और इसमें आजकल काम कर रहा है हमारा सफल यानी स्ट्रक्चर असेसमेंट फॉर एनालाइजिंग लर्निंग, ये काफी काम कर रहा है, यानी ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराएगा जिसमें हम समझेंगे कि बच्चों का मूल्यांकन किस तरीके से करना है, यानी मूल्यांकन पेपर के आधार से आप हमने एक जो पेपर होता है उस पे करें, या हमेशा करें तो नई शिक्षा नीति में बताया भी हुआ है कि नई शिक्षा यानी कि 2020 में हमें मूल्यांकन इसी आधार पे करना है और सफल काम करना शुरू कर दिया, यानी सफल सफलता की कुंजी लेके आया है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं OECD। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कुछ बेनिफिट देख लेते हैं हम लोग, कुछ लाभ है इसके क्या है। हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल होता है, काफी अच्छे स्किल दे जाते हैं आपको, काफी सीखने में मदद कर जाता है, तो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल है इसका। दूसरा इंडिसिप्लिनरी अप्रोच है, डिसिप्लिनरी अप्रोच है जो चीजों को समझाने का काफी प्रयास करता है। दूसरा समस्या समाधान में मदद करता है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग में काफी मदद करता है ये। नेक्स्ट सामाजिक और भावनात्मक कौशल विकास और विश्व स्तर पर साक्षरता और नागरिकता के विकास में मदद करता है। ओके, यानी विश्व स्तर पे आपकी मदद करता है चीजों को सिखाने में, सामाजिक तरीके से भी और भावनात्मक तरीके से भी, ताकि आप जुड़ सके। ओके, और राष्ट्रीय संदर्भों के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी सक्षम बनाता है, यानी राष्ट्रीय स्तर पर तो सिखाता ही है, साथ है दुनिया स्तर में भी क्या हो रहा है कैसे हो रहा है ये भी सिखाने का काम ये करता है CBE। ओके, अब हम लोग देखते हैं एक्सपेरिमेंटल लर्निंग क्या होता है। CBE हम लोग पढ़ लिए, यानी कॉम्प्रिहेंसिव बेस्ड एजुकेशन पढ़ लिया। एक्सपीरियंस लर्निंग क्या होता है, अनुभव जन्य शिक्षा क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। अनुभव जन्य शिक्षण यानी एक्सपीरियंस लर्निंग क्या होता है, तो अनुभव पे कार्य किया जाता है, यानी बच्चे को ऐसा सिखाएं कि वो अपने अंडरस्टैंडिंग से अपने पिछले कुछ अनुभव को संजोए समेटे और फिर जाने कि क्या सीखा क्या नहीं सीखा, तो अपने अनुभव पे कार्य करना है, यानी परिस्थिति ऐसा जनरेट कर दे जो बच्चा पहले से कभी किया हो उसको वापस से सोचे और फिर से करे। जैसे प्रतियोगिताएं करवा देते हैं हम लोग, रंगोली प्रतियोगिता, तो वो क्या करता है बच्चा पहले सोचा होता है अच्छा मैंने ये काम तो किया कहीं, ऐसे बनाते बन जाएगा, तो उस अनुभव पे काम करवाया। इस तरह बहुत सारे वर्ग होते हैं जो उसके एक्सपीरियंस पे काम कराता है, तो ये जनरेट करता है। इंक्रीजिंग नॉलेज डेवलप, स्किल डेवलप करना है, इसी तरीके से उसके नॉलेज को इंक्रीज करना है, जितना नॉलेज इंक्रीज होगा उतना ही आगे क्या करेगा, नया नया अनुभव लेता चला जाएगा, नया नया सीखता चला जाएगा। हम लोग भी अनुभव से इतने हुए हैं और बीच बीच में हम लोग बहुत सारी चीजें ऐसे अनुभव से ही सही कर जाते हैं, तो ये भी चीजें। नेक्स्ट लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस, ठीक है, कैसे पढ़ाना है हमें, एक्सपीरियंस के थ्रू, ठीक है, यानी काफी एक्सपीरियंस जो भी चीजें अनुभव जन्य चीजें हैं उसको कोशिश करना है, उसी चीज को बताना है। टीचर भी अपने बारे में इसी अनुभव को शेयर करता है ताकि शायद इस अनुभव से आपका भी कुछ फायदा हो इनडायरेक्टली डायरेक्टली। ओके, तो इस तरीके से वो भी काम करता है। जॉन डी क्या कहते हैं इस बारे में, यह सिद्धांत याद करने और रटने के बजाय समस्या समाधान और उसके अनुभव पर केंद्रित होता है, यानी मेन चीज क्या है, समस्या समाधान में केंद्रित होता है, याद ना कराओ समस्या समाधान को बताओ, समस्या को सॉल्व जब करेगा तो ऑटोमेटिक सोचेगा कि क्या किया जा सकता है, चिंतन करेगा, निर्मलात्मक चिंतन करेगा, पिछली घटनाओं के बारे में भी सोचेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं ये चीजें मेरे पास पहले आ चुकी है, थोड़ा सा सोचेगा फिर कोशिश करेगा कि चलो ट्राई मारते हैं इसी तरीके से हो सकता है, ठीक है, तो ट्राई करते करते कभी कभी सोल्यूशन भी आ जाता है, तो ये भी चीजें हैं, ठीक। तो जॉन डी यही कहते हैं, कोल्ब है, कोल्ब का एक्सपेरिमेंटल थ्योरी काफी फेमस है, तो कोल्ब सार्थक सीखने के लिए अनुभव महत्वपूर्ण बताते हैं कि अगर कोई चीज हमें सही तरीके से सीखना है, सही ढंग से सीखना है, तो हमें सबसे जरूरी है अपने अनुभव को समझना, अपने पहले की घटनाओं को जानना, और अगर नई चीजें सीख रहे हैं तो उसको वापस से अनुभव में जोड़ना, ये से एक्सपीरियंस लर्निंग में इन्होंने यही बताया। कोल्ब का एक्सपेरिमेंटल थ्योरी काफी प्रमुख है, जिसमें इनको छात्र काफी प्रमुख मानते हैं और कहते हैं कि हर चीज LSI यानी लर्निंग स्टाइल इन्वेंटरी से सिखा जा सकता है, यानी आपका जो तरीका है सीखने का वो आपके तरीके में ही अगर अनुभव को जान डाल दिया जाए, आपके सोचने समझने की शक्ति में अनुभव को डाल दिया जाए, तो अपने से
कोशिश ज्यादा से ज्यादा करेंगे कि हम सॉर्ट आउट करें। जब आप करने की कोशिश करेंगे तो सोचेंगे, चिंतन करेंगे, थिंकिंग करेंगे, और वो आपके अनुभव पे या तो पिछले की घटनाओं को ला के रख देगा या कुछ नया दे जाएगा। कहते हैं ना नया अनुभव हुआ, तो ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने इसके साथ मेहनत किया। अगर कोई और कर जाता तो शायद आप मेहनत नहीं करते, तो शायद आप इस चीज के बारे में भी नहीं जानते। तो जब आप डूबोगे, जब उसमें जानोगे, घुसोगे, तब आप एक्चुअली में जान पाओगे कि क्या हुआ। तो यही तो डालना है शिक्षा में भी। तो शिक्षा का काम धीरे धीरे खत्म हो रहा है। शिक्षा का काम है मार्गदर्शक का, आपको एक मार्गदर्शक, एक गाइड के रूप में प्रस्तुत हो जाना है। बाकी काम बच्चे जो है अपने अनुभव या अपने तरीके से एक्सपीरियंस करते हुए या प्रैक्टिकल करते हुए, रिसर्च करते हुए भी सही करें, ये काम है। स्टेप कुछ है करने के एक्सपीरियंस के, तो सबसे पहले है डूइंग, यानी अनुभव करो, अन्वेषण करो। या तो आप पहले से कुछ अनुभव है उसको लाओ, या तो कुछ नया सोचो, अन्वेषण करो, ठीक है, रिसर्च करो, कुछ ना कुछ तो अनुभव ही होगा, रिसर्च करो। व्हाट हैपेंड, फिर क्या करें, चिंतन करो, फिर चिंतन करो क्या कर सकते हैं, यानी पहला तो करना है, फिर चिंतन करना करें क्या, क्या करें, ओके। उसके बाद व्हाट इज इंपॉर्टेंट, क्या प्रसंस्करण है, क्या विश्लेषण किया जाए, क्या इसके बारे में कैसे किया जाए, ये सब चीजें हैं जाने, यानी अनुभव पे काम करें या अन्वेषण पे काम करें। करना है तो चिंतन करना पड़ेगा कैसे करें, उसके बाद विश्लेषित करें, छोटे छोटे टुकड़ों में अगर बांट दो तो समझ में आ जाएगा, अच्छा ये पहले करते हैं, ये पहले, ऐसे भी कर सकते हैं। अगर हो गया तो उसका हम सामान्यकरण कर देंगे, हाँ भैया ये चीज प्रूफ हो गया है, अब क्या, नाउ व्हाट, अब क्या करें। तो या तो हम आवेदक बन जाए, यानी जो चीज अनुभव हुआ है हम बताए किसी टीचर, एक आवेदक के रूप में आपको सबको समझाता है, और नहीं तो कुछ फिर नया ट्राई करें, ठीक है। तो ये 5 स्टेप है अनुभवजन के, ओके, ये कॉल एक्सपेरिमेंटल थ्योरी का ही है। तो यहाँ पे हम लोग अनुभवजन पढ़ रहे हैं। एक और है वर्टिकल ऑफ कास्ट, ये भी बता दें अपने स्टाइल में कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या जरूरी है। कौन बताता है, वर्डिंग तो कास्ट, ये भी कहते हैं कि क्या जरूरी है कि अनुभवात्मक अधिगम जो है प्रशिक्षक सीखने की प्रक्रिया को निर्देशित करता है बजाय के मार्गदर्शक करने के, ठीक है, यानी आपको प्रक्रिया में शामिल करता है, प्रक्रिया में शामिल करता है, यानी छात्रों को उसी में डुबो देता है, आप सीखो कैसे नहीं सीखोगे, तो ये काम करता है, ठीक है। और वहां बच्चा अपने रुचि के अनुसार क्या करता है, वहां पे बच्चा अपने रुचि के अनुसार सकारात्मक तरीके से सीख लेता है, क्या करता है, सकारात्मक तरीके से सीख लेता है, यानी रुचि इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है, यानी अपने प्रक्रिया में जब शामिल होगा, अनुभव के साथ शामिल होगा, तो रुचि लेगा, इंटरेस्ट लेगा, और जैसे इंटरेस्ट लेगा वो सकारात्मक तरीके से चीजों को सीख लेगा अपने आप, ओके। अब नया अगर कुछ सीखना है तो इसी अनुभव को जोड़ते हुए एक नया अनुभव भी प्राप्त कर सकता है, एक नया अनुभव भी प्राप्त कर सकता है, और साथ ही अपनी समस्या का समाधान भी कर सकता है, जाहिर सी बात, यानी अगर ये सीख रहा है तो इस अनुभव का अगर कुछ जोड़ते हुए कुछ नया अनुभव भी सीख सकता है, और अगर कोई समस्या है तो इसका समाधान भी अपने आप कर सकता है, हो गया। इन्होंने साफ साफ कहा है शिक्षक को मार्गदर्शक होना चाहिए, शिक्षक को करवाना नहीं है, शिक्षक को केवल मार्गदर्शक होना है, यानी आप बस रास्ता दिखाओ, करना कैसे है ये छात्र स्वयं डिसाइड करे, ओके, यानी आपको उसमें कूदना नहीं है, आपको बस खड़े रहना है, बस रास्ता दिखाना, बेटा इस तरह चलो ये अच्छा हो सकता है। कभी कभी टीचर अपना अनुभव बता देता है इसी वजह से, ताकि हो सकता है आप सोच रहे हो कर ना पा रहे हो, शायद क्लिक कर जाए, ओके। तो ये भी तो शिक्षक का काम क्या है, मार्गदर्शन करना, छात्र को स्वयं करने पर प्रेरित करना है, जितना छात्र स्वयं करेगा उतना प्रेरित होगा, तो छात्र को स्वयं करने पे प्रेरित करना है, ओके।
खोज करने पे प्रेरित करना है, जितना वो रिसर्च करेगा जितना काम करेगा वो उतना ही जानेगा। स्व मूल्यांकन को उसको प्रेरित करना है, जितना स्वयं का मूल्यांकन करेगा वो उतना ही एक्सपीरियंस होगा, उतना ही अनुभव करेगा, उतना ही सीखेगा। ओके, ये समझ में आए? तो यानी हम लोग आज क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग चैप्टर से कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन और एक्सपीरियंस लर्निंग जो है, योग्यता आधारित शिक्षा और एक्सपीरियंस लर्निंग जो है, अनुभव जन्य जो सिद्धांत है, अधिगम है, वो हम लोग पढ़े। कैसा लगा जरूर बताइएगा, कमेंट कर लीजिएगा, जरूर आपके कमेंट का इंतजार भी रहता है, लाइक कर दीजिएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।